पर सरकार ने जो अचानक की जो डिसीजन लिया है, इसका आम जनता पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ तक कि जो लेडीज हैं, जो घर की लेडीज हैं या वर्किंग वुमेन है, हम घर से निकलते हर इंसान छुट्टा मांगता है, तो आज 500 का छुट्टा नहीं मिलेगा तो आगे की तो हम बात सोच ही नहीं सकते। तो मतलब सरकार ने जो डिसीजन लिया, एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम दे के और लोगों को सोचने समझने की तो शक्ति देना था। अचानक निर्णय लेना ये सरासर गलत है। नोट बंद करना भ्रष्टाचार के हिसाब से तो ठीक है, पर आम लोगों को जो इससे तकलीफ होगी, उसमें अस्पतालों में और दूसरी जगह वो नोट उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो उससे जो तकलीफ होगी उसका क्या हाल है, उससे बहुत बड़ी समस्या होगी। जो अचानक जो नोट बंद करने 500 के नोट बंद करने का निर्णय लिया गया है, ये आम जनता को बहुत तकलीफ देने वाला है। इतनी जल्दी डिसीजन लेके और उसको एकदम से घोषित कर देना पॉसिबल नहीं है कि कोई अपने सही जगह से नोट सही जगह ला सकता है, और अपने पास में किसी ने जरूरत के लिए रखा भी होगा तो क्या कर सकता है। तो ये बहुत तकलीफ देने वाला, और ऐसा करना ही नहीं चाहिए। ये आम जनता के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा और परेशानी दायक होगा।